ओम शांति। 25 अक्टूबर 2020। आज की बाबा की जो अव्यक्त मुरली थी उसमें बहुत ज़्यादा स्वयं गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाबा ने एक बहुत गहरी मुरली, एकदम मंथन की हुई मुरली हम लोगों के सामने दी है, जिसको केवल धारणा करना है। उसमें बहुत गहराई में जाने की भी आवश्यकता नहीं है। सारी बातें बाबा ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में, क्रिस्टल क्लियर मंथन की हुई बातें, जैसे कितने सरल शब्दों में बाबा ने कहा कि सेवाधारी का मतलब ये नहीं है कि तुम कहीं पर जा कर के अच्छा स्पीच दे कर के आ रहे हो, या 7 डेज का कोर्स करा के आ रहे हो, या कहीं पर कोई क्लास कंडक्ट करा ली, या उससे भी ऊपर कोई सेंटर खोल करके दे दिया या सेंटर खुद खोल लिया। सो दैट डजंट मीन कि तुम सेवा कर रहे हो। सेवाधारी का मतलब वो नहीं है, सेवा को जो धारण करे। बाबा ने कितने अच्छे से समझाया कि जैसे पवित्रता, सुख और शांति का आपस में कनेक्शन होता है, जैसे आत्मा की जो 7 क्वालिटीज़ बाबा ने हमें बताई, ज्ञान, पवित्रता, शांति, वो बिल्कुल एक के बाद एक है, उन सब का आपस में कनेक्शन है। आत्मा में अगर ज्ञान है तो आत्मा बिल्कुल पवित्र है, पवित्र है तो शांत है, शांत है तो वो सबसे प्रेम कर सकती है, प्रेम है तो वहाँ सुख ज़रूर है, और सुख जब चरम सीमा को पार कर जाए तो वह आनंद है, अनकंडीशनल, और वो आनंद आत्मा को शक्तिशाली बना देता है। तो जैसे पवित्रता, सुख और शांति का आपस में कनेक्शन है, ऐसे बाबा ने कहा त्याग, तपस्या और सेवा का भी आपस में कनेक्शन है। त्याग मना, जैसे अगर बिल्कुल सिंपलेस्ट एग्जाम्पल लेकर के देखें, हालांकि बाबा ने तपस्या को कहा दृढ़ संकल्प ही तपस्या है, लेकिन अगर एक सिंपल एग्जाम्पल लिया जाए तो जैसे बाबा कहते हैं ना कि बच्चे, सीधे शब्दों में समझो कि तुम्हें जैसे अमृत वेला अगर सुबह उठना है, अमृत वेला के लिए बाबा कितना हम लोगों को मोटिवेट करते आए हैं, साकार मुरली, अव्यक्त मुरलियों में भी कई बार अव्यक्त फरिश्ता, इन सभी चीज़ों को एक्सप्लेन करते हुए। तो अब अमृत वेला यानी अर्ली मॉर्निंग, जब सबसे ज़्यादा क्वालिटी स्लीप का टाइम होता है, उस समय उठने के आदत को डालने के लिए पहले नींद का त्याग करना पड़ेगा। इनिशियली पहले नींद का त्याग होगा, जिनको आदत है लेट नाइट सोने की, है ना, या जिनके हैबिट में वो चीज़ें शामिल नहीं है, तो पहला स्टेप होगा त्याग। त्याग के आधार पर तपस्या होती है, और फिर वो तपस्वी और त्यागी स्वरूप हमारा सेवा करा देता है। नेचुरली देवता हम एक लंबे टाइम के तपस्या के बाद बनते हैं, और इसीलिए बाबा ने ब्राह्मण जीवन को तपस्वी जीवन का नाम दिया है। संपूर्ण जीवन मानो एक तपस्या है, तो त्याग है तो तपस्या है। सात्विक भोजन, सात्विक आहार को अपना व्यवहार बना लेना, अपनी हैबिट बना लेना, अपना नेचुरल संस्कार बना लेना, तो इनिशियली पहले स्वाद का त्याग करना होगा समझ के आधार पर। और ज्ञानी तो आत्मा ही सर्वशक्तिमान बन सकती है। तो बाबा ने बड़े सरल शब्दों में सेवा का अर्थ समझाया है, इससे ज़्यादा सिंपल वर्ड्स में और कुछ, और सबसे बड़ी बात भी हो गई कि सेवाधारी की सच्ची निशानी तो हर सेकंड की सेवा है। उम्मीद का सितारा की बात की कि उम्मीदों का सितारा और सफलता का सितारा दो बिल्कुल अलग पहलू हैं। एक है एक्सपेक्टेशन है कि यस वी आर गोइंग टू बी फाइन सूनर और लेटर, और एक है कि वास्तव में अब उस चीज़ का सफलता स्वरूप हम बन गए। हर सेकंड सफलता, पास फेल तो अलग चीज़ हो गई, दैट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। बाबा कहता है परिस्थितियों को पास विद ऑनर करना है। वो परिस्थिति पास विद ऑनर तभी हो पाएगी जब हर दिन सफल होगा। जैसे एक विद्यार्थी टॉप कब कर सकता है, टॉप करने की संभावना, पास विद ऑनर की संभावना तब बनती है जब वो पूरे साल नित्य प्रतिदिन सेकंड बाय सेकंड पुरुषार्थ करता है, पढ़ाई करता है, हर दिन सफल करता है, हर दिन को सफल बनाता है, तब जाकर के पास विद ऑनर होता है। इसीलिए बाबा कभी भी हमें ये नहीं कहते हर सेकंड पास विद ऑनर, कहते हैं हर सेकंड सफल, सदा सफलता मूर्त भव, तब हम पास विद ऑनर होंगे। बाबा कितनी सरल शब्दों में आज वास्तविक, और एक बार की अव्यक्त मुरली में ध्यान है, 1970 की मुरली में था, किसी एक मुरली में बाबा ने बोला कि ये जो सेवा है, सेवा की अपनी कैटेगरीज बनी हुई हैं, उसमें से एक कैटेगरी
ईश्वरीय सेवा भी है, एक कैटेगरी गॉडली सेवा, ईश्वरीय सेवा भी है। तो अब ईश्वरीय सेवा वो तो बाबा की जिम्मेदारी, जो ईश्वर को करना है उसके लिए तो सदा निश्चिंत रहना है, बाबा करा लेंगे, बाबा समझते हैं। वी शुड हैव इंटेंशन, जिसे बाबा शुभ भावना शुभ कामना कहते हैं। और दूसरी सेवा हो गई हमारे लौकिक सेवा, अलौकिक सेवा, विभिन्न प्रकार की जो सेवाएं हैं, अपना पढ़ाई भी एक सेवा है, जॉब करना वो भी एक सेवा है। तो उसमें भी सेवा की निशानी यही रहे, सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति। बाबा ने कहा दूसरों की कमज़ोरियों को सामना नहीं करना। कमज़ोरी क्या हो सकती है? कमज़ोरी किसी के गाली देने की आदत कमज़ोरी है, बदतमीज़ी करने की आदत कमज़ोरी है, कुछ गलत हैबिट्स हैं लाइफ में तो कमज़ोरी है, गलत दृष्टि है तो कमज़ोरी है। इन्हीं सब चीज़ों को तो बाबा ने आत्मा की बीमारी बताया है। तो अब उस कमज़ोरी को बाबा कहते हैं सामना करने पे उतर आते हो, बहसबाजी आर्ग्यूमेंट्स उनको तो समाना था, और सहनशीलता ये नहीं कि सहन करते करते मरना है, बिल्कुल सरल शब्दों में आज की मुरली है, लेकिन धारणा युक्त, संपूर्ण धारणा युक्त मुरली। वरदान में बाबा ने कितने ईजी गोइंग वे में कह दिया कि ये जो 5 तत्व और 5 विकार हैं इनको भी अपना सेवाधारी बनाओ, तभी स्वराज्य अधिकारी बनेंगे, अर्थात माया जीत जगत जीत है ना। तो 5 विकार हमारे सेवाधारी कैसे हैं? वो हमारे सेवाधारी ऐसे हैं कि जब तक वो नहीं होंगे तब तक हमें पता कैसे चलेगा कि हम कितने परफेक्ट बने हैं कितने नहीं बने हैं। पक्का संस्कार कहाँ तक क्रिएट हुआ है ये तो 5 विकार ही बताएंगे। तो अपने विकारों से चिंतित और भयभीत होने की जगह, जो हमारा संस्कार बन गया 63 जन्मों में, बाबा कहते हैं उनको सेवाधारी बना लो ना। वो आते ही इसलिए हैं कि तुम्हें शक्तिशाली बना सकें, बता सकें कि तुम्हारे अंदर ये प्रॉब्लम है। फिर स्लोगन में बाबा कहते हैं जिन गुणों व शक्तियों का वर्णन करते हो उनके अनुभवों में खो जाओ, क्योंकि अनुभव ही सबसे बड़ी अथॉरिटी है। ये बाबा की सबसे खूबसूरत बात, सबसे खूबसूरत श्रीमत। ओम शांति।